बचाओ बैनर के तले हमारे मुल्क की आधी आबादी को अपील करने के लिए जो एक महिला सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है उसके लिए उनका और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभी लोगों ने एक स्वर में एक बात कही कि संविधान की आत्मा तभी लोकतांत्रिक होगी जब महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार संविधान से महिलाओं को बराबरी और समता का अधिकार देकर ही लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जा सकता है। ये आप सबके पढ़ने की बात है जो संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों पर जो बहस हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण बहस जिससे आज के भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका आप अपनी सही समझ बना सकते। उस सारी संवैधानिक दृष्टि के बाद भी महिलाओं के अधिकारों को कदम दर कदम बढ़ाना पड़ा जिसमें महाराष्ट्र ने उसके बाद केरल ने बंगाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राज्य में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देकर और विशेषकर हमें इस बात का फख्र है आज कहने में कि लड़कियों को भी उनके पुरखों की जायदाद में हिस्से का अधिकार शरद पवार जी ने मुख्यमंत्री होते ही कानून में शामिल करने की बात है। ये पहली बार देश में जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनके मायके की जायदाद में भी बेटों के साथ बेटियों का हिस्सा हो ये कानूनी अधिकार देने का काम हमारे नेता शरद पवार जी के मुख्यमंत्री में हुआ। दूसरा ऐतिहासिक कार्य जो इस देश में हुआ जिसे ध्यान रखने की जरूरत है भौजिया खान साहेब आपको पता है हमारी तमाम राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की नेताओं को सबको पता है कि जब पवार साहब देश के रक्षा मंत्री हुए ये मारा यूपी तो उन्होंने कौन सा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने वो ऐतिहासिक कदम किया कि भारत की तमाम रक्षा सेनाओं में अब तक महिलाएं क्यों नहीं है महिलाओं को उसमें शामिल किया जाए और भारत के तमाम सुरक्षा बलों में महिलाओं को शामिल करने का काम शरद पवार साहब ने रक्षा मंत्री ये ऐतिहासिक इसलिए महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देना उनकी भागीदारी हर हालत में हो ये व्यवस्था करना हम सबका राजनीतिक दलों का नेताओं का सबका कर्तव्य है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो स्थिति क्या है इन सारे प्रगतिशील कदमों के बावजूद आज देश में महिलाओं की स्थिति क्या है तमाम तरह से महिलाओं के पीड़न बलात्कार उनके ऊपर हर तरह के अत्याचार की चर्चा अभी हमारी तमाम महिला नेताओं ने की फौजिया खान साहेब ने की जो आपके सामने चित्र दिखाया गया उसमें भी इसकी चर्चा असल में नारी की स्थिति इस देश में क्या कर रखी है। हिंदी के बहुत बड़े कवि रणवीर साहब उन्होंने भारत में नारी की स्थिति पर अपनी एक कविता में चित्रण कर दिया है। वो इस देश के बहुत बड़े पत्रकार भी थे साहित्यकार थे देवान जैसी पत्रिका के संपादक थे उनकी कविता की वो पंक्तियां भारत में नारी की सही स्थिति का चित्रण करती है। उन्होंने उस कविता में लिखा हम हिंदुस्तान में महिला को किस दृष्टि से देखते काम की जगह रखते पढ़िए गीता वो भी करना है बनिए छोड़ बाद में करेंगे दिमाग खा रहे हो लोग पढ़िए गीता बनिए सीता
फिर इन सब में लगा पलीता निज घर बार बसाइए। होए कटीली आंखें गीली घर की सबसे बड़ी पतीली हर हर भात पसाइए। तो नारी की क्या स्थिति की हमने? चौका चूल्हा, चौके चूल्हे में भी अपनी रुचि का भोजन नहीं बना सकती है, भोजन भी दूसरे की रुचि का बनेगा। नारी सबसे बाद में खाएगी स्त्री बचा खुचा भोजन खाएगी। ये स्थिति हमने नारियों की स्त्रियों की अपने समाज में कर रखी। उस स्थिति से निकाल कर आपको तमाम जन संघर्षों में, जन आंदोलनों में और राष्ट्र निर्माण में नारी को शामिल करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? वो जो महात्मा गांधी ने कहा था फौजिया खान साहिबा, उसी तरीके से महात्मा गांधी ने कहा कि नारी को शिक्षित करो, उसकी आजादी के लिए जरूरी है नारी को शिक्षित करें और नारी राजनीति में शामिल करें। जितना ही राजनीति में नारी शामिल होगी उतना ही सशक्तिकरण, जिसको कहते हैं आप एम्पावरमेंट कहते हैं, स्त्री का एम्पावरमेंट, वो तभी संभव है, उसके बगैर वो संभव नहीं है। आज आप देखिएगा अगर तो तमाम समाज सुधार आंदोलनों में महाराष्ट्र की ये शक्ल नहीं होती अगर सावित्री बाई फुले आगे बढ़कर नारी शिक्षा के लिए और असल अर्थ में नारियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन नहीं किया होता, अभियान नहीं छेड़ा। उसी तरह बंगाल में हुआ, उसी तरह केरल में हुआ, महाराष्ट्री केरल के, जहां नारियों ने आगे बढ़कर कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में हमको बराबरी का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इन बातों पर इसलिए रोशनी डालना जरूरी था कि आज जो संविधान बचाने के लिए अभियान शुरू हुआ है, ये अभियान गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को मुंबई में पवार साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसमें तमाम दलों के प्रमुख नेता और बहुत से राजनीतिक आंदोलनों के नेता शामिल हुए। सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं, बहुत से विचारक, पत्रकार, तमाम लोग उसमें शामिल हुए। और मुंबई से इतिहास बताता है कि जो लहर चली है, क्रांतिकारियों की लहर भी महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, कांग्रेस की स्थापना भी मुंबई में हुई और इस वर्ष पवार साहब के नेतृत्व में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को मुंबई से हुई और ये लहर अब हिंदुस्तान में बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। आज आपका यह सम्मेलन, महिलाओं का सम्मेलन, इस बात का प्रतीक है कि संविधान को बचाने का जो आंदोलन है वो कामयाब होगा। राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ल संविधान बचाओ अभियान के जरिए मिलेगी और इसी अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विघटनकारी राजनीति को परास्त किया जाएगा, पराजित किया जाएगा। सिर्फ चुनाव में ही नहीं, देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति को पराजित करने का काम महिलाएं करेंगी, नौजवान करेंगे, पिछड़े करेंगे, अल्पसंख्यक करेंगे। यही विश्वास आज के इस अभियान से मालूम पड़ता। आज का अभियान आखिर में बाबा साहब के शब्दों में कहूंगा कि महिलाओं की शक्ति जब भी जागृत होती है तो इतिहास बदलता है। आज फौजिया खान साहब आपकी अगुवाई में जो तमाम देश से महिलाएं यहां आई हैं संविधान बचाओ अभियान के लिए, उससे देश में एक नई लहर पैदा होगी और यह लहर हर राजनीतिक जहर को काट कर ही रुकेगी, समाप्त करके ही रुकेगी। धन्यवाद।